आजमगढ़ जिले में पुलिस का डंडा पुलिस वालों पर भी जमकर चल रहा है। यही कारण है कि कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोपी पुलिसकर्मी भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। जिले के एसपी अनुराग आर ने कर्तव्य पालन में लापरवाही व स्वेच्छाचारिता बरतने पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे व बिलरियागंज के सब इंस्पेक्टर को निलंबित करने के साथ विभागीय जांच का आदेश दिया है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लापरवाही बरतने के आरोप में 10 से अधिक पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि थाना प्रभारी फूलपुर आजमगढ़ के पद पर नियुक्ति के दौरान निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे 19 दिसंबर को मनबढ़ों द्वारा युवक के साथ गंभीर मारपीट किए जाने की सूचना पर पीड़ित का मेडिकल न कराने, मुकदमा पंजीकृत न करने तथा एक अभियुक्त को मात्र 151 CRPC की कार्यवाही कर अभियुक्तगढ़ को लाभ पहुँचाने का आरोप है। जबकि उप निरीक्षक बिलरियागंज कन्हैयालाल पर मुकदमा संख्या 194/21 धारा 323, 504, 506, 427 भारतीय दंड विधान की विवेचना में पीड़िता के 161 CRPC के बयान एवं वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद 354B भारतीय दंड विधान का समावेश न करने, पीड़िता का 164 CRPC का बयान दर्ज न कराने, दो अभियुक्तों की नामजदगी सरसरी तौर पर विवेचना गलत करने का आरोप है। इसी आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के साथ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।